आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट, एक और गौरव गाथा। भारतीय सेना ने, नौसेना ने, इंडियन नेवी ने क्या पराक्रम दिखाया था। 1971 जो वॉर हुआ था उसको पूरा अपनी तरफ मोड़ दिया था इस इंसिडेंट ने। इंडियन नेवी को 1965 में रोक दिया गया था कि भैया आप इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स होते हैं ना, वाटर इंटरनेशनल वाटर बॉर्डर जो डेमार्केटेड लाइन होती है उसको आप क्रॉस नहीं करेंगे। यहां पे पूरी खुली छूट थी। पाकिस्तान ने युद्ध में आमंत्रित कर दिया था भारत को। एयरफील्ड्स में इंडियन एयरफील्ड्स को पाकिस्तान ने अटैक किया था, 6 एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, तो यहां पे जब पाकिस्तान ने हमले किए तो भारत ने जवाबी हमला ऐसा किया कि पाकिस्तान उबर ही नहीं पाया। कराची पोर्ट, कराची बंदरगाह जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंटर है, क्योंकि वहीं से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वहां पे हर चीज को कोऑर्डिनेट किया जाता है, नेवी को कंट्रोल किया जाता है, वहीं पे ही हमला किया था और पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, कमर तोड़ के रख दी थी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था, तो इंडियन नेवी का इस वॉर में बहुत ज्यादा रोल था। हम ऑपरेशन ट्राइडेंट की पूरी बात करेंगे। भैया जो नेवी डे है ना, वो इसीलिए मनाया जाता है, ऑपरेशन ट्राइडेंट, इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना है। अभी 26 जनवरी था, आई एम रियली सॉरी, मैं कोई लेक्चर लेके नहीं आ पाया, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। चलिए बात करते हैं इस ऑपरेशन की। sit_reconnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमने हर एग्जाम्स को कवर किया है दोस्तों, आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो अगर बैकग्राउंड की बात करें तो वैसे तो 1971 जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और कई बार ये कवर भी किया जा चुका है। मैंने इंदिरा गांधी की जब ऑटोबायोग्राफी कवर की थी, माई ट्रुथ, उसमें मैंने बताया था आपको पूरा का पूरा। इस पे एक सेपरेट लेक्चर भी है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर सर द्वारा, वो पूरा उन्होंने कवर किया है, तो मैं दोबारा इसको पूरा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आपको पता ही है दोस्तों कि पाकिस्तान दो में डिवाइडेड था, इधर साइड था वेस्ट पाकिस्तान और इधर साइड था ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश है अभी। अब यहां पे 1970 में जब इलेक्शन हुए थे तो आवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग 167 सीट्स आउट ऑफ 169 सीट्स पूरी तरीके से सूपड़ा साफ कर दिया था, जीत गई थी। पसंद नहीं आया था ये वेस्ट पाकिस्तान को, यहां पे बहुत अत्याचार करती थी दोस्तों सेना जो थी। पूरा देख रहे ना कि कितना जोग्राफिकली डिफरेंट है, ज्योग्राफी दोनों की डिफरेंट है, कितनी दूर से यहां पे आना पड़ता था, लेकिन तब भी ये एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में था। तो ये तो एक ना एक दिन ये होना ही था और बहुत ज्यादा जुल्म ढाए जाते थे यहां पे। 1970 में, 1970 में जब इलेक्शन हुए और जब मुजीबुर रहमान जीते, मूड खराब हो गया। पाकिस्तानी सेना ने ऐसा कत्ले आम शुरू किया, जनरल टिक्का खान को बुलाया। अब टिक्का खान है, माहिर थे वो इंसानों के टिक्के बनाने में, बना दो भैया टिक्के, एक के बाद एक उन्होंने ऐसा कत्ले आम शुरू किया। मार्च 1971 से ये कत्ले आम शुरू हुआ था, गांव गांव में पकड़ पकड़ के एक एक को मारा गया, क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या औरत, बहुत लोगों को मारा गया दोस्तों, बलात्कार हुए, बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी। ऐसा बोला जाता है कि 30 लाख 3 मिलियन इतने लोगों को मारा गया था। वैसे तो दोस्तों ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन ये लिस्ट है, इतना तो मारा ही गया था, इतने लोगों को तो मारा ही था पाकिस्तानी सेना ने। तो ऐसी कंडीशन हो गई थी। अब प्रॉब्लम क्या हो गई थी दोस्तों कि यहां पे अगर इतना ज्यादा इतनी ब्रूटैलिटी हो रही है, बगल में क्या है, भारत से बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है, तो अब बांग्लादेश से मतलब ईस्ट पाकिस्तान से भर भर के लोग भारत आ रहे थे। अब यहां पे ट्विस्ट, इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। यहां पे क्या है कि जब इतना ज्यादा माइग्रेशन हो रहा था, रेफ्यूजीज आ रहे थे, तो उस समय भारत की भी कोई कंडीशन बहुत अच्छी तो थी नहीं, इकोनॉमिकली कोई बहुत ज्यादा प्रॉस्पर तो कर नहीं रहा था, तो दिक्कत यह हो गई थी कि इन लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए। उसके बाद फिर ये स्टोरीज जब बाहर आने लगी कि ऐसा इतनी ज्यादा ब्रूटैलिटी सेना वहां पे कर रही है, तो इंदिरा गांधी का मूड खराब हो गया। इंदिरा गांधी ने बुलाया, सैम मानेकशॉ को बुलाया जो उस समय इंडियन आर्मी के चीफ थे, उनको बुलाया, उनसे बोला कि हमको युद्ध करना चाहिए पाकिस्तानियों से, क्योंकि ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि इतना ज्यादा लोगों को इतनी बुरी तरह मारा जा रहा है, वहां की औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमको युद्ध करना चाहिए।
सैम मानेकशॉ ने सीधा बोल दिया था, अगर हम अभी वॉर में जाएंगे वी विल लूज दिस वॉर, हम पक्का ये युद्ध हारेंगे, जीत ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास अभी ना ही हमारी सेना तैयार है ना ही हमारे पास हथियार है उस तरह के, हमको वक्त चाहिए। दूसरी चीज, वहां पे मॉनसून आया है, मॉनसून आने वाला है, और मॉनसून के वक्त वहां पे लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, हम पक्का हारेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ये पूरा मीटिंग में बहुत सारे नेता थे और सीधा मानेकशॉ ने बोला था, इंदिरा गांधी का मुंह गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन इंदिरा गांधी को भी पता था कि ये सही कह रहे हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी ने उनकी बात मानी, क्योंकि सैम मानेकशॉ ने बोला था कि अल्टीमेटली जो आप बोलेंगे वही हम करेंगे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनकी बात मानी। यही एडवाइस अगर जवाहरलाल नेहरू को किसी ने दी होती एक ऐसी, तो शायद हम चाइना से वॉर नहीं हारते। तो यह चीज हुई, 1971 वॉर थोड़े समय के लिए रोका गया, लेकिन अप्रैल से लेकर दिसंबर तक किसी को नहीं छोड़ा पाकिस्तानियों ने। जैसा कि मैंने बताया, घर घर से सबको, एक पूरी जनरेशन को साफ कर दिया था उन्होंने। इधर मुजीबुर रहमान पाकिस्तानी जेल में बंद थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो यहां पे इंदिरा गांधी ने बोला, पूछा मानेकशॉ से कि आप एक बात बताइए कि अगर मैं आपको वक्त दूं तो क्या हम ये वॉर जीत सकते हैं। मानेकशॉ ने बोला कि अगर आप मुझे वक्त दे, कुछ टाइम दे थोड़ा बहुत, ताकि हम पूरा प्रिपेयर कर सकें, सही पोजीशंस पे ला सकें, अपने जवानों को सही पोजीशंस पे ला सकें और प्लानिंग कर सकें, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं हम ये वॉर जरूर जीतेंगे। इंदिरा गांधी मान गई, इंदिरा गांधी ने बोला ठीक है। अब क्या हुआ, दिसंबर आता है, यहां पे पाकिस्तानी सेना ने भारत पर अटैक कर दिया था। देखिए, भारत की मदद से वहां पे मुक्ति वाहिनी सेना बनाई गई थी, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान में। ये क्या करती थी, ये जितना हो सकता था पाकिस्तानी सेना को नुकसान पहुंचाती थी। मुक्ति वाहिनी सेना नाक में दम कर दिया था, तो ये भारत का पूरा सपोर्ट था भैया, हेडक्वार्टर तो वेस्ट बंगाल में ही था ना, इनके हेडक्वार्टर पे हमला कर दिया पाकिस्तानी सेना ने। इधर 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान ने इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है, पता था हम युद्ध में हैं। यहां पे क्या हुआ कि इधर हमला किया, ऊपर से भारत के एयरफील्ड्स को पूरा बर्बाद कर दिया, ठीक है, 6:45 बजे हमला हुआ था और बर्बाद किया। ये भारत पे असॉल्ट था, 3 दिसंबर की बात है, भारत युद्ध में कूद गया। अब भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराना है, जो इतनी ब्रूटैलिटी हो रही है। इसी में दोस्तों एक इंसिडेंट होता है, ऑपरेशन ट्राइडेंट, जो भारतीय नौसेना इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया था, ताकि पूरी तरीके से पाकिस्तानी नेवी को ध्वस्त किया जा सके। यहां पर इंदिरा गांधी से एडमिरल एस एम नंदा उस समय मिलने गए, इंदिरा गांधी से उन्होंने बोला कि क्या नेवी को खुली छूट आप देंगी, मतलब ऐसा ना हो कि जिस तरह से 1965 वॉर में यह बोल दिया था कि आपको हद में रह के ही काम करना है, डेमर्केशन लाइन क्रॉस नहीं करनी है, क्या ऐसा तो नहीं होगा इस बार, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी ये, क्योंकि बहुत उस समय हमको ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा था, ऐसा इस बार तो हम नहीं झेलेंगे, ये आप हमको गारंटी दें। तो इंदिरा गांधी ने इनडायरेक्टली बोल दिया था कि भैया युद्ध को जीतना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, हर किसी को यहां पर खुली छूट मिल गई थी, दिस इज द सिचुएशन ऑफ वॉर एंड वी विल फाइट, ऐसा कुछ एटीट्यूड था। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, कराची बंदरगाह, कराची पोर्ट एक ऐसा पोर्ट था जो सेंटर था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, इसको पूरी तरीके से खत्म करना था। इससे दोस्तों इसी दिन आपको पता ही कि गाजी सबमरीन भी डुबाई गई थी, वो खैर अलग टॉपिक है भैया। गाजी अटैक मूवी देखी कि नहीं, क्या जबरदस्त है, पाकिस्तान की कमर ऑलरेडी टूट गई थी। पाकिस्तान को किसका सपोर्ट है, अमेरिका का, अमेरिका तो पूरी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी को तो द विच बोला था, चुड़ैल बोला था। भारत को किसका सपोर्ट है, सोवियत्स का। भैया जो इस ऑपरेशन में मिसाइल यूज होंगी वो किसकी देन है, सोवियत की, सरफेस टू सरफेस स्टिक्स मिसाइल। तो ये चीज है, हालांकि ये बहुत ही अच्छे से प्लानिंग की गई, इंडिया ने पूरी तरीके से इसको प्लान किया और बहुत ही सीक्रेट प्लान था ये, सीधा प्लान में शामिल था कि इससे पहले पाकिस्तानियों को पता लगे, उनको पता ही नहीं लगने दो, रात के अंधेरे में जाओ, ऑपरेशन करो, मार के वापस आ जाओ, ये प्लान था और यही किया। अब यहां पे दोस्तों उस समय विद्युत क्लास मिसाइल बोट्स, मतलब
आईएनएस विद्युत जो कि मिसाइल्स को ले जाता था, यह काफी नहीं था, जरूरी था कि और भी जो वॉरियर्स हैं, जो कैरियर्स हैं, ठीक है, उनको हम साथ में भेजे ताकि ऑपरेशन को सक्सेसफुली पूरा किया जा सके। तो इसके साथ आईएनएस सिपत, आईएनएस निर्घाट, आईएनएस कचाली, आईएनएस वीर भी गए थे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इन सब पे भैया बड़ी बड़ी मिसाइलें लगी थी, स्टिक्स मिसाइल सरफेस टू सरफेस, और जिसने बहुत बुरी तरह पाकिस्तान को क्षति पहुंचाई थी। कराची बंदरगाह से निकलना था, वेस्टर्न कमांड था दोस्तों, बता दू ये, ठीक है, वेस्टर्न कमांड था ये पूरा का पूरा। 25th मिसाइल बोट स्क्वाड्रन जिसको लीड कर रहे थे बबरू भान यादव, कमांडर थे, वेस्टर्न मतलब जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, पाकिस्तान यहां से पास है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है भैया, पता है ना भारत के 3 सेंटर्स हैं नेवल की, अगर हम बात करें वेस्ट ईस्ट साउथ, वेस्ट का मैंने मुंबई बता दिया, चलिए बताइए ईस्ट और साउथ में हेडक्वार्टर्स कौन सा है, चलिए बताइए नेवी का। तो ये चीज थी। अब यहां पे पूरे जंगी बेड़े के साथ भारत निकलता है, रात में ही निकलता है, क्योंकि यहां पे दोस्तों पाकिस्तान के जो पूरा उनका सिस्टम था वो इतना रात में केपेबल नहीं था, ठीक है, केपेबल का क्या मतलब है, पाकिस्तान के पास नाइट बॉम्बिंग फैसिलिटी नहीं थी, तो ये भारत को इसका पूरी तरीके से फायदा उठाना था, इसीलिए ये पूरा का पूरा ऑपरेशन रात को ही करना था, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिसंबर को सब निकलते हैं जंगी बेड़े के साथ, और उसके बाद फिर कराची पहुंचते हैं, और उसके बाद जैसे ही साउथ कोस्ट पे पहुंचते हैं, वो 32 मील दूर होता है कराची, इधर एक पाकिस्तान का शिप नजर आ जाता है, बोट होती है, शिप होती है, क्या होती है पता नहीं, लेकिन तुरंत ही आईएनएस निर्घाट आगे बढ़ता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और एक मिसाइल छोड़ता है, स्टिक्स मिसाइल, और उसके बाद राइट साइड पे लगती है, और यह होता है इनका बहुत बड़ा वॉरियरशिप पीएनएस खैबर, पाकिस्तान के पीएनएस खैबर को यह स्टिक्स मिसाइल लगती है जो कि आईएनएस निर्घाट से दागी जाती है, राइट साइड पे लगती है, बॉयलर फटता है, ठीक है, बॉयलर रूम फटता है, तुरंत एक्सप्लोड होती है, लेकिन जब आईएनएस निर्घाट ये देखते हैं, वहां के कमांडर्स ये देखते हैं कि पीएनएस खैबर जो है वो पूरी तरीके से डूबा नहीं है, तुरंत दूसरी मिसाइल फायर की जाती है और उसके बाद समुद्र में समा जाता है खैबर, 222 लोगों के साथ, 222 कमांडर्स के साथ पीएनएस खैबर समुद्र में समा गया, सब जगह धुआं ही धुआं, कियोस हो गया, अटैक हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आया पाकिस्तानियों को हुआ क्या है, गलत कोऑर्डिनेट्स भेज दिए, दोस्तों आपको पता ही है ना कि जब भी अटैक होता है तो कोऑर्डिनेट्स भेजे जाते हैं, तुरंत ही इन्फॉर्म किया जाता हायर अथॉरिटीज को कि भैया रेस्क्यू टीम भेजो वरना कैसे होगा, तो कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं भैया, पोजीशन जिससे पता लग जाए, तो पोजीशंस भेजी जाती है, लेकिन यहां पे गलत पोजीशन भेज दी गई, पहली बात तो पाकिस्तानियों को पता ही नहीं चला हुआ क्या है, कहां से हमला हुआ है। उसके बाद दोस्तों 11 बजे फिर आईएनएस निपत की बारी थी भैया, आईएनएस निपत ने फिर 2 स्टिक्स मिसाइल दागी, एक लगी वीनस चैलेंजर्स को, दोस्तों ये वीनस चैलेंजर जो था ये पाकिस्तान के हथियार कैरी करता था, पाकिस्तान के वेपन्स को कैरी करता था, एम्यूनिशंस को कैरी करता था, इसको डुबा दिया गया, पूरी तरीके से खेल खत्म। पीएनएस शाहजहां सी क्लास डिस्ट्रॉयर, इसको भी डुबा दिया गया, तो एक के बाद एक मिसाइल जो लगी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 11:20 पे सबसे बड़ी सफलता मिली दोस्तों, एडजेट जो माइन स्वीपर था पाकिस्तान का पीएनएस मुहाफिज, आईएनएस वीर ने एक और मिसाइल दागी और एग्जैक्ट 11:20 पे रात में वो पीएनएस मुहाफिज को लगी, 33 सेलर के साथ वो डूब गई, लेकिन तब तक सिग्नल भेज दिया था भैया उसने, तो यहां पे रेस्क्यू टीम को पता चल गया, तो दिक्कत ये हो गई कि अब सिग्नल भेज दिया, यहां पे पोजीशन पता चल गई, यहां पे ऑपरेशन सही हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब आपको वापस आना है, वापस आने में भारत के जितने भी आईएनएस थे, जितने भी शिप्स थे, वो वल्नरेबल थे, यहां पे आराम से आइडेंटिफाई करके एनिमी खत्म कर सकता था, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हुआ दोस्तों, सक्सेसफुली जो थे हमारे शिप्स वापस आए, तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन कंडक्ट करके 5 दिसंबर को वापस आए, और उसके बाद 3 दिन बाद ऑपरेशन पाइथन भी हुआ, और ऑपरेशन पाइथन जब हुआ तो कराची एयरपोर्ट को कराची पोर्ट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया, कुछ भी नहीं बचा, कमर तोड़ दी गई,
जिसके बाद 15 दिसंबर को भैया युद्ध खत्म हो गया। 13 दिन युद्ध चला था ना, ये 1971 वॉर सबसे बड़ा सरेंडर था, ये आज तक का सबसे बड़ा सरेंडर है। पाकिस्तानी सेना ने हथियार डाल दिए थे कि हम तो नहीं लड़ पाएंगे, और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है, हमारी नेवी को। तो हमारी नेवी कराची गई, उनके सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय करके सक्सेसफुली वो वापस आ गई, और ये कमाल का था। अब दोस्तों फिर अवार्ड्स भी काफी मिले, आप देख सकते हैं पूरी की पूरी लिस्ट, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये सबको मिले जिन जिन लीडर्स ने इसमें भाग लिया था। तो ये पूरा ऑपरेशन ट्राइडेंट था। आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसको जरूर शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑपरेशन पाइथन पे भी बनाऊं, मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।